जो सो रहा है वो जागेगा कब? तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो वाकई में बॉलीवुड की मति मारी गई है, एक सुपर फ्रेंचाइजी की धज्जियां कोई इनसे उड़ाना सीखे। जय दोस्तों, SRK की डॉन जब 2006 में आई थी, बच्चे बच्चे के मुंह पे बस एक ही डायलॉग था कि मैं हूं डॉन, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, 11 मुल्कों की पुलिस सिर्फ डॉन को ढूंढ रही है, और सबसे ज्यादा फेमस कि डॉन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। और उसके बाद फैंस की डिमांड पर सेकेंड पार्ट को बनाया गया था, और पूरे 5 साल बाद ब्लॉकबस्टर सीरीज डॉन का सेकेंड पार्ट निकाला गया था 2011 में, और जब सेकंड पार्ट आया था इसने अलग ही तहलका मचा दिया था। या दोस्तों, डॉन 2 के बाद फरहान अख्तर डायरेक्टर ने वादा किया था कि यस थर्ड पार्ट भी आएगा। लोग इस सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी का बेसब्री से वेट कर रहे थे SRK डॉन को देखने के लिए, वही रुतबा देखने के लिए और SRK का अलग हटके स्टाइल देखने के लिए। लेकिन 12 साल इंतजार करने के बाद फैंस को मिला झुंझुना, यस तो वही बात हो गई ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। कतई कसम से कह रहा हूँ, फैंस सिर्फ नाराज ही नहीं है, खुन्नस खाए बैठे हैं। मैंने जब टाइटल अनाउंसमेंट का टीजर देखा और उसके नीचे कमेंट बॉक्स पर देखा तो गालियों से जो स्वागत करा है फैंस ने, जो भर भर के लानत भेजी है फरहान अख्तर को, काबिले तारीफ है। क्योंकि कुछ फिल्मों से जुड़े होते हैं इमोशन, जज्बात, और जब इन पे पानी फिरता है ना तो सिर्फ सनकती नहीं है, खुन्नस आता है लोगों को। यहाँ दोस्तों डॉन 3 का टाइटल अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और जहां तक इसका टीजर अभी तक सभी ने देख ही लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है एक बार जाके इस मजाक को जरूर देख लेना, है ना। ऐसा लग रहा है कि किसी सस्ते यूट्यूबर को बैठा दिया है अंदर और बोल रहे हैं उससे, ऐसा कर SRK की फुल कॉपी कर ले, बाकी अपनी तरफ से कुछ मेहनत मत कर, तेरे अंदर का जो टैलेंट है, तेरे अंदर का जो यूनिकनेस है उसे छुपाए रखना और फुल SRK मोड को कॉपी कर ले, उसके बोलने के अंदाज को, उसके स्टाइल को, इवन डायलॉग डिलीवरी का वॉइस भी। एक बार के लिए तो मुझे लगा कहीं थारा भाई जोगिंदर को तो ना बैठा दिया अंदर, और अब ये शुरू हो जाए कहीं यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी दिखे हमारे पीछे। तो भाई साहब बिल्कुल छपरी वाला लुक आ रहा है, एकदम यंग डूड वाले जो लड़के नहीं होते हैं, वो नए नए स्टाइलिश कौले लौंडे नहीं होते हैं, अरे वही जो KTM में बैठकर वो वाला करते हैं, अरे वही जो TikTok या Instagram की रील्स पर एक्टिंग करते दिखते हैं, बिल्कुल भाई। क्योंकि रणबीर भाई डॉन कम स्टाइलिश डूड ज़्यादा लग रहे हैं, और सत्यानाश तो वहाँ हुआ SRK के स्टाइल में बोलना, उसके बाद SRK की वॉइस को मैचअप करना, भाई रणवीर सिंह का अलग ही स्वैग है, ये बंदा चाहे ना तो किसी भी करेक्टर में जान भर सकता है। अरे फरहान भाई तुम्हें इस बंदे की काबिलियत पर शक हो गया क्या? इसे अगर खुद का वर्जन निकालने देते एज डॉन तो भाई ये अलग आग लगा देता कसम से। अरे इस बंदे में है वो दम, वो पोटेंशियल जो पब्लिक को खुश कर सकता है। पेशवा बाजीराव किसी ने देखा था कैसा था कैसा नहीं, लेकिन यह बंदा अपना वर्जन लेके आया और फाड़ के रख दिया। कोई करके दिखा दे पेशवा बाजीराव का करैक्टर इसके सामने, सेम अलाउद्दीन खिलजी का करैक्टर, भाई नेगेटिव करैक्टर होने के बावजूद पूरी मूवी में फेस का काम किया है इस बंदे ने। लोग दीपिका और शाहिद को कम देखना चाह रहे थे, इस बंदे को स्क्रीन में बार-बार देखना चाह रहे थे। तो जब ये ऐसे क्रूअल टिपिकल करैक्टर कर सकता है तो क्या डॉन का करैक्टर पकड़ना इसके लिए कोई बड़ी बात है? हां, SRK का जो हाइप है, जो लेवल है, उसको कोई बीट डाउन नहीं कर सकता, जैसा अमिताभ बच्चन का है जो उसको कोई बीट डाउन नहीं कर सकता। सेम ये अपना वर्जन निकालता, टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी बाजी में काम खत्म किया गया है। बिल्कुल रणवीर सिंह इस बंदे का इस्तेमाल ढंग से किया नहीं गया फरहान अख्तर के द्वारा। बाकी देखो सबका ये कह रहा होता है अगर हाँ डॉन 3 में भी SRK को दोबारा से देखने को मौका मिलता तो कोई नहीं, मजा जरूर आता। लेकिन SRK का एक दौर था जब SRK ने डॉन मूवी करी थी 2006 में, तब भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि अरे यार ये आज के लौंडे लीजेंड बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर पाएंगे क्या। लेकिन जब डॉन आई सबको रिजल्ट मालूम है, जो लोग करते थे वही प्यार करने लग गए। तो मेरा मानना है अपनी काबिलियत परखने का मौका सबको मिलना चाहिए। हो सकता है रणवीर का अलग हाइप हो मूवी में, खैर मैं खुद कह रहा हूं टीजर देखकर तो निराशा ही हाथ लगी मुझे तो। हाँ ये भी हो सकता है कि डायलॉग से एक हाइप सेट करना चाहा होगा पर फेल हो गए, लेकिन अभी पूरे ट्रेलर बाकी। अगर वाकई में रणवीर की एक्टिंग में दम होगा, मूवी में कुछ अलग हटके देखने लायक होगा, तो यस वहां से कुछ मोटा मोटा आइडिया हमें लग जाएगा कि मूवी आखिर कैसी होने वाली है। बाकी अब लगाते हैं पूर्ण विराम और अब आप लोग बोलेंगे ये नया डॉन कैसा लगा आप लोगों को, क्या SRK को रिप्लेस कर पाएगा अपना नया डॉन थारा भाई जोगिंदर? जोक सपाट रणवीर सिंह, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स और अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।